Experience was quite smooth enough because it was quite a simple song. मतलब जैसे कि मैंने बोला वही कि यू नो 90s का वाइब है, तो ज़्यादा उसको ना तो फास्ट करूँ ना, जस्ट गिव इट अ लिटिल ब्रीदर स्पेस. ठहराव वाला गाना है जो तुम देख सकते हो, आँखों को भी थोड़ा सुकून मिलेगा यू नो देखने में. सो दैट्स समथिंग गुड अबाउट द सॉन्ग. विपिन एंड प्रीत बोथ आर इक्वली गुड. दे वेर रियली कॉन्फिडेंट ऑन स्क्रीन, तो इट वॉज क्वाइट सिंपल टू यू नो एडिट देम एंड दे वेरी कॉन्फिडेंट एंड आई विश ऑल द गुड लक टू बोथ ऑफ यू. या थैंक यू. थैंक यू. See, the chemistry between both of them is looking very lovely and very nice on screen. और बहुत अच्छा लग रहा है दोनों को देख के. और उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत जल्द ही मतलब नई बुलंदियों को छुएगा. ऑलरेडी ये लोग पसंद कर रहे हैं, सो आई एम लाइकिंग इट वेरी मच. यस डेफिनेटली. मेरे दोनों भाई ने बहुत अच्छा काम किया है और सुमन ने जिस तरीके से डायरेक्ट किया है, जो आपके जो शॉट्स हैं या फिर आपका मतलब ओवरऑल जितने भी उन्होंने जिस तरीके से शूट किया है, जिस तरीके से उन्होंने चीज़ों को कैप्चर किया है, जिस तरीके से वो दिखाया है. बेसिकली क्या होता है कि आप कैप्चर करना और उसके बाद चीज़ स्क्रीन पे दिखती कैसी है, तो वो बहुत मैटर करता है और जो कि बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है. देखिए आपने पहले ही बोल दिया है कि ऑडियंस ने पसंद किया है, तो उससे बड़ी बात और कुछ हो ही नहीं सकती है. हमारे यहाँ पे अगर ऑडियंस आपको पसंद कर रही है तो उससे अच्छा कुछ नहीं है. और डेफिनेटली दोनों की केमिस्ट्री दिख रही है स्क्रीन पे, दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं. थैंक यू सो मच. मतलब सबने बहुत ही अच्छा रिव्यू दिया हम लोगों को, बहुत लोगों ने देखा है एंड वी आर लक्की बिकॉज डायरेक्टर इज़ वेरी शॉर्टेड. सो या इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस. इट वॉज लवली एक्सपीरियंस. एक्चुअली हम लोग बहुत मेहनत किए हैं, सबको ही अपना प्यार दिखा रहे हैं. आगे देखते हैं. ऑफ स्क्रीन भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी बिकॉज हम लोगों को ज़्यादा टेंशन नहीं थी, बिकॉज डायरेक्टर सब कुछ बोल देते थे, तो हम दोनों मस्ती मस्ती में सब कुछ हो जाता. बिकॉज तेरा में दीवाना में फ़न है और एक लड़का एक लड़की के पीछे पागल है, तो हम दोनों वैसे ही मस्ती पूरा टाइम मस्ती करते रहते थे, तो उतना ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं. या मतलब बॉन्ड बन जाता है बिकॉज आप कंफर्टेबल, फीमेल अगर कंफर्टेबल कर देती है किसी लड़के को तो बहुत इजीली सब कुछ हो जाता है. सो या थैंक्स टू प्रीत कि उसने ऐसा इवन कुछ. ही इज़ ऑल्सो वेरी कोऑपरेटिव. मैं जहाँ जहाँ पे गलती कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, हमेशा बोलते हैं ये कर लो वो कर लो. तो सेट या फिर ही वाज द वेरी कूल सिंपल गाय जो आपको बहुत इजीली सब बता देते.
होता है. सुमन इज वेरी स्ट्रिक्ट बिकॉज उसको जो चाहिए वही चाहिए. वो जब तक उसको प्रॉपर 100% नहीं मिलेगा वो बार बार रीटेक एंड वो खुद भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं बिकॉज वो खुद सोते नहीं थे, पूरे टाइम सोचते थे क्या करना है क्या नहीं करना, बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा नहीं था और वेदर में बहुत ज़्यादा इशू थे. कभी बारिश हो रही है, कभी वेदर बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा था. तो सुमन बहुत फास्ट है, तो कई बार क्या होता है कि आपको पता ही नहीं चल रहा कि क्या करना है, तो उस टाइम वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और मतलब यार बहुत स्ट्रिक्ट है सुमन. आज दोनों आप दोनों यहाँ पर आए ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने पहले से डिसाइड कर लिया था कि एक ही टायर पेंट कराएंगे क्या कुछ? वो भी सब सुमन ने ही डिसाइड किया है बिकॉज हमने जो भी पूरे सॉन्ग में भी किया है, जो भी अभी पहना है, सब कुछ हमारे डायरेक्टर ने डिसाइड किया है. सो या ऑल क्रेडिट गोज टू सुमन. ओके, अगर हम बात करें गाने की, जब आप लोगों को ये गाना बताया गया कि ये करना है, तो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन करना है टी सीरीज के में आया गाना क्या है? डेफिनेटली आई वाज वेरी एक्साइटेड. हम बचपन से देखते रहते टी सीरीज में गाना, तो मेरा ये ड्रीम था कि मैं टी सीरीज में काम करूँ, तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड. या टी सीरीज इज वन ऑफ द बिग ब्रांड इन ऑल ओवर वर्ल्ड, सो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा अच्छा. और ऑडियो जब हम लोगों ने सुना तो रासिक ने और केका ने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से गाया है. एंड वो ऑडियो मैंने बहुत बार सुना, वो उस ऑडियो की सबसे अच्छी चीज़ मुझे यही लगती है कि वो बोर नहीं करती है, मतलब वो रिपीट में आप सुन सकते हो. सो दैट्स वाई मतलब आई एम हैप्पी कि मैंने ये सॉन्ग किया एंड सुमन ने मतलब मुझे सेलेक्ट किया और शैलेश सर ने भी बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया जो DOP है इस सॉन्ग में. सो या वी आर लक्की बिकॉज हम लोगों के साथ इतने एक्सपीरियंस लोगों ने हम लोगों को सेलेक्ट किया एंड काम किया. आपके फैंस या आपके फैमिली मेंबर्स से किस तरह का रिएक्शन रहता है? वो लोग भी बहुत एक्साइटेड हैं. मैंने जब पापा को बोले कि मैं काम कर रही हूँ टी सीरीज में, पापा बहुत खुश हैं और मम्मी भी बहुत खुश हैं. मेरे घर वाले तो स्माइल कर रहे थे सॉन्ग देख के बिकॉज इट्स अ लवली सॉन्ग. सो या दे आर हैप्पी. वो तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स पे ही डिपेंड करता है. वो तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करता है कि वो लोग हमें कब बुला रहे हैं. हम लोग तो अपनी तरफ से एफर्ट्स करते हैं, ऑडिशंस देते हैं, मीटिंग्स करते हैं. सो या सब कुछ प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर पे डिपेंड करता है. सो मतलब हम लोग भी चाहते हैं, हम लोग मुंबई इसीलिए आए कि हम यशराज धर्मा या बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करें. सो या इट्स रिक्वेस्ट सर प्लीज, हम लोग भी हैं. ओके, आखिरी सवाल, बिग बॉस इतना देखा है कुछ अगर आप बता सके, कोई है आपके फेवरेट कंटेस्टेंट? बिग बॉस मैं बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ बट सो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ मैंने एक दो बार देखा है. उसमें मेरी एक फ्रेंड थी सोनिया बंसल और आउट हो गई, मुझे आइडिया नहीं. और एक दो लोग और हैं जो यूट्यूबर्स हैं. सो या अनुराग और एक गेमिंग ऐप वाला भी कोई है. हाँ सो या एक दो बार देखा है. सो या बट मैं इस बार बिग बॉस सच में फॉलो नहीं कर रही हूँ, तो इस बार मैं कुछ नहीं बोल पा रही हूँ. बिकॉज मैं बिग बॉस एवरी टाइम एवरी ईयर फॉलो करती हूँ, बस इस टाइम मैं फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, कुछ काम की वजह से टाइम नहीं मिल रहा है फॉलो करने के. फ्यूचर में आप दोनों जाना पसंद करेंगे, रियलिटी शो करना पसंद करेंगे, स्प्रिट्स मिला या बिग बॉस खतरों के खिलाड़ी? खतरों के खिलाड़ी इज येस बिकॉज उसमें आप कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हो, बट स्प्लिट्स विला तो मतलब मैं नहीं कर सकता, मुझे पसंद नहीं है रियलिटी शोज ज़्यादा. बिकॉज मैं थिएटर से हूँ तो मुझे कुछ एक्ट करने के लिए कुछ मिलेगा तो यस, बट स्प्लिट्स विला या रोडीज वो मैं नहीं कर सकता. थैंक यू. हार्ट रेट अच्छा काम करना चाहता है और सुमन ने किया है और भी डेट करेंगे अभी ये मेरे को लग रहा है. मेरे से भी गाना लिखवा लो कोई एक थोड़ा सा. बिल्कुल, ये तो
छोटे भाई है मेरे विपिन सुमन और ये पूरी टीम राशिक इज वेरी टैलेंटेड और ये इधर कुछ कर रहे हैं और मेरे को लगता है ये अच्छे लेवल पे रिलीज हो रहा है तो हमारी तो दुआएं इनके साथ हमेशा हैं और हमेशा हम ये देखना चाहते हैं कि ये और अच्छे अच्छे जगह पे दिखे हमें और हम ऐसे इनके पब्लिक में जाके अटेंड कर सकें। और जब हमारे आसपास के लोग अपने लोग आगे बढ़ते हैं तो एक आदमी आगे नहीं बढ़ता, सब आगे बढ़ते, सब आते हैं। ये सिंगर भी इस गाने में रासिक तो बहुत टैलेंटेड है, बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, मुझे चाहिए नहीं कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मैं क्या करूँ। सांसें मेरी चले तेरे नाम से, ये दिन भी लगे मुझे साल से, एक तुझे पाके सब पा लिया, बिन तेरे रहा नहीं जाए रे, तेरी यादों में तेरी बातों में तेरे ख्वाबों में खोया रहूं, किधरा मैं दीवाना दीवाना बन गया, किधरा मैं दीवाना दीवाना बन गया, कि तेरा मैं दीवाना दीवाना बन गया, कि तेरा मैं दीवाना दीवाना बन गया। ओके, थैंक यू वेरी मच। नहीं नहीं, यहाँ पे भाई है, वो ये विषय होंगे, विषय करेंगे। Alright guys, what's up? How's it going, media? I love you guys. I want to say congratulations to my friend. Thank you. Congratulations and Preet, congratulations to you. Thank also. You. It's a great song. As you know, these guys are the best and the future rock stars of our country. They're always releasing great songs. This is my dear friend Tez. He's also come to congratulate everybody and I hope this goes viral, guys. 100 million cross on that year. Samjhana? Usse bhi zyada hote to wo bhi acha rahega. And I just wish you all the best, yaar, and thank keep rocking like this, Vipin. You can't pop star nahi lag raha hai video ko dekho, baal kaat diya, shirt wo chain, man, ek hai ya tu ek hai, samajh nahi aa raha. This looks good, bro. Looks good. Paal ji hindi hai. Really, yes, we will. And guys, please dekho, there it is, Tera Main Deewana by Vipin, Preet, the whole team. Best of luck to you. Thank you. Ye chal raha gana bas. Come on. Come on, come on. स्टाइलिस्ट कौन है? बहुत ही अच्छा कमाल का सॉन्ग, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। विजुलाइजेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, गाने का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, तेरा मैं दीवाना। एंड मैंने पूरा गाना अच्छे से प्रॉपरली देखा, बहुत अच्छा लगा, आप बहुत अच्छे लग रहे हो। प्रीत का आई थिंक फर्स्ट सॉन्ग है, तो प्लीज ऑल द विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, कि गाना बहुत सक्सेसफुल रहे एंड ऐसे काम करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आते रहे। आई विश यू ऑल द बेस्ट, बहुत ऑफ यू। थैंक यू सो मच। Yeah, I'm just happy. How do you balance that out and tell us about your whole experience working on this film? Yeah, definitely. And while I'm doing this costume part since last 20 years, so definitely I have something in mind to create a lot of visual things. So it came from that only. So now it is a music is a very much close to me. So I just compiled the both. This art and music, it made a music video, and I always wanted to do something like this, very earthy and very next door girl and boy, and like with the pairing of music. So I heard this song, I told, no, this is my job and I want to do this video. So we did, and people are appreciating, and you guys are all appreciating, and thank you so much for that. And there are so much of coming up, so you can see so many creativity over there also. Something more about, you know, making of the song, while shooting, you know, Vipin is a fine
Yeah, definitely. And yeah, definitely. And जब हम लोग स्पीटी में हम लोग शूट किया था मनाली में, एंड वाइल वी आर शूटिंग देयर इट वाज अ बिग स्टॉर्म ओवर देयर एंड वेदर वाज सो कोल्ड. सो दो आई टोल्ड माय एक्टर्स यू हैव टू वेक अप इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock इज द शॉट, एंड दे गॉट रेडी बाय 5:30 एंड इट वाज सो अमेजिंग एंड माय होल टीम वाज सो एनर्जेटिक एंड वी डिड दिस शूट. After that, when we left that city, then we thought, oh my God, it's a very hard work. 2 days, it was a total package. There was no sleep, and we walked. Weather condition was totally anti. It was cold and storm together. So it was very, very risky on that time. But we shot because we had to do that. I will request all the audience that please share love to this video and share how much you can, and definitely we are trying to give you more videos like this through all of the music channels, because we want to show the genuine love, genuine feelings of a human being, which is now is very rare in our society, because everywhere we can see a lot of fake things. So we want to show the genuine next door girl and boy love and whatever the passion and everything. So my always target to show it genuinely real. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you.